दरमियान में रखी हुई तलवार में भले ही जंग लग जाए, लेकिन अगर उस तलवार का वार शिकार पर पड़ जाए तो सो हे गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको जिस तरह का कमाल का इफेक्ट लगा के एक शानदार स्ट्रस कैसे तैयार कर सकते हैं, जो कि अभी आपने इंट्रो में देखा। तो दोस्तों, बस आपको करना कुछ नहीं, वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तो आप भी इस तरह का स्टेटस बनाना सीख जाओगे। और दोस्तों, अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर जो भी मटेरियल मैं यूज़ करता हूँ अपने वीडियो में, वो सब यहाँ पर प्रोवाइड करता रहता है, तो आप यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है? और दोस्तों, आपको यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट भी मिलता रहेगा, तो ज्वाइन हो सकते हो। और अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। अगर आपके पास ये वाला काइन मास्टर नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो। सो डाउनलोड करने के बाद आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको 1:1 वाला जो रेशियो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पर जाना है, बैकग्राउंड पर जाना है, और यहाँ से आपको ब्लैक वाला जो बैकग्राउंड है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद इसकी जो लेंथ है दोस्तों, वो आपको यहाँ से बढ़ा लेनी है जितना आपका स्टेटस हो, ठीक है? सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑडियो ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने एक ऑडियो डाउनलोड किया, तो वो आपको सेलेक्ट करना है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है? तो ये जो ऑडियो वो हमारा यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद आपको लेयर पे जाना है, टेक्स्ट पे जाना है, और दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट लिख देना है। तो यहाँ से मैं ये वर्ड लिख लेता हूँ भाई, अगर आपको कुछ दूसरा टेक्स्ट लिखना है तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो उसके बाद आपको फॉन्ट वाला ऑप्शन पे जाना है, और ये वाला जो फॉन्ट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसकी जो लेंथ है वो आपको यहाँ पे बड़ी कर देनी कुछ इस तरह से, ठीक है? यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ मैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना जितना आपका स्टेटस हो। उसके बाद फिर से लेयर पे जाना, टेक्स्ट पे जाना है, और यहाँ पे आपको दूसरी लैंग्वेज में टाइप कर लेना, ठीक है? तो यहाँ से मैं हिंदी लैंग्वेज में टाइप कर देता हूँ। और ये करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से अपना कीबोर्ड जो है वो यहाँ पे आपको चेंज कर देना है, ठीक है? ये करने के बाद आपको ये वाला जो ब्रैकेट वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, और बीच में आपको यहाँ पे स्पेस दे देना है ताकि जो वर्ड है वो अच्छे से शो हो, ठीक है? सो ये करने के बाद आपको यहाँ पे लाना है, फिर से फॉन्ट वाला ऑप्शन पे जाना है, और ये वाला जो फॉन्ट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको रख लेना है, इसकी जो लेंथ है वो आपको यहाँ पे बड़ी कर देनी है इस तरह से, ठीक है? ये करने के बाद इसकी जो लेंथ है वो आपको पूरे स्टेटस में लगा देनी है जितना आपका स्टेटस हो। सो ये करने के बाद लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है, और यहाँ से आपको एक फायर वाली फ़ोटो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको वो सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपको टेक्स्ट पर लेके जाना है, रखना है, और आपको जाना नीचे ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पर, और यहाँ से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको फोटो को यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट करना है, और यहाँ पे सिर्फ फायर ही दिखना चाहिए आपको यहाँ पे, ठीक है? तो इस तरह से आपको यहाँ पे दोनों उंगलियों से अपने को स्क्रॉल करना है इस तरह से। सो ये करने के बाद आपको यहाँ पे ओवरऑल एनिमेशन पे जाना है, और यहाँ से आपको कोई भी एक अच्छा सा इफेक्ट दे देना है, ठीक है? तो यहाँ से मैं फ्लोटिंग वाला जो इफेक्ट है वो आपको यहाँ पे दे देना है, और उसकी जो लेंथ है वो आपको फिर से यहाँ पे बढ़ा लेनी जितना आपका स्टेटस हो, ठीक है? इस तरह से। ये करने के बाद दोस्तों लेयर पे जाना, मीडिया पे जाना, और एक बहुत ही कमाल का जो इफेक्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ब्लैक स्क्रीन जो कि बहुत ही अच्छी लगेगी, ठीक है? तो यहाँ पे मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 3 डॉट पे जाना है, और इसे यहाँ पर फोटो स्क्रीन कर देना है। उसके बाद नीचे जाना ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पर, और स्क्रीन पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन पर जाना है, और उसकी जो एडजस्टमेंट है वो आपको थोड़ी सी बढ़ा लेनी है, और इसका जो वॉल्यूम है वो आपको बिल्कुल भी डाउन कर देना ताकि एक्स्ट्रा साउंड न हो, और ठीक है? तो यहाँ से जो अच्छे से हो जाता है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फिर से लेयर वाला ऑप्शन पे जाना है, मीडिया पे जाना है, और यहाँ से आपको एक और ब्लैक स्क्रीन सेलेक्ट कर लेनी है जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। उसके बाद 3 डॉट पे जाना, और इसे फुट स्क्रीन कर देना है, और नीचे जाना फिर से ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पे, और स्क्रीन पे टैप कर देना, ठीक है? सो ये करने के बाद दोस्तों इसकी जो एडजस्टमेंट है वो आपको थोड़ी सी हाई कर देनी है, और इसका जो वॉल्यूम है वो आपको डाउन कर देना है। ये करने के बाद इस पर क्लिक करना, 3 डॉट पर जाना है, और इसे सेंड टू बैक कर देना है। तो अभी मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ, बहुत ही कमाल का इफेक्ट हमारे यहाँ पर ऐड होकर आ जाता है। तो ये करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देना है, 4 सेकंड का या फिर 3 सेकंड का। उसके बाद फिर से लेयर पे जाना, मीडिया पे जाना है, बैकग्राउंड में जाके आपको यहाँ से एक ब्लैक स्क्रीन बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, फिर से 3 डॉट पे जाना, इसे फिट टू स्क्रीन कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली करना क्या, इसकी जो लेंथ है वो पूरे स्टेटस में लगा देनी है, और ओवरऑल एनिमेशन में जाके इसे फ्लिकर कर देना है। फ्लिकर करने के बाद इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे पार्ट में डिवाइड कर देना कुछ इस तरह से, ठीक है?
तो हम इसे यहाँ पे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे आपको रिमूव कर देना है। सो ये करने के बाद इस तरह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा गैप रख रख के इसको आपको यहाँ पे रख लेना है, ठीक है, ताकि एक अच्छा इफेक्ट लगे। मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो बहुत ही कमाल का इफेक्ट लग जाता है। सो ये लगाने के बाद आपको यहाँ पे 7 सेकंड तक वेट करना है, फिर से लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। ये जो फोटो है वो मारी की तो आपके पास नहीं है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से हम वो फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद 3 डॉट पे जाना है और फिट टू स्क्रीन कर देना है और इसको यहाँ पे मिडल में ला देना है और यहाँ पे आपको जाना है ओवरऑल एनिमेशन पे और यहाँ पे आपको फ्लिकर पे टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से इसे थोड़ी लेंथ बढ़ा लेनी है और जैसे आपको यह फोटो खत्म होता है उसके बाद फिर से आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और आपको यहाँ पे दूसरा वाला फोटो जो है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक दूसरा वाला जो इमेज वो यहाँ पे सेव कर देता हूँ। इमेज सेव करने के बाद फिर से 3 डॉट पे जाना है, फिट टू स्क्रीन कर देना है और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेनी है। उसके बाद इन एनिमेशन में जाना है और फेड एनिमेशन दे देना है, ठीक है। उसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे मैं 0.5 का कर देता हूँ और पूरी लेंथ बढ़ा लेता हूँ जितना हमारा शेड्स है। उसके बाद ओवरऑल एनिमेशन पे जाना है और फ्लिकर इसको भी कर देना है, ठीक है। आप देख सकते हो बहुत ही कमाल। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ से आपका एक यूट्यूब का जो लोगो है वो आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया कि आप यूट्यूब का लोगो कैसे बना सकते हो, तो आप देख सकते हो मेरे ट्यूटोरियल, ठीक है, विजिट करके। तो यहाँ से मैं एक लोगो ऐड कर देता हूँ मिडल में और उसकी जो लेंथ है वो आपको यहाँ पे पूरे स्टेटस में लगा देनी है। सो ये करने के बाद हम यहाँ पे एक बॉर्डर ऐड कर देते हैं जो कि एक बहुत ही कमाल का लुक मिलेगा हमारे स्टेटस को, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्क्वायर वाला जो बॉर्डर है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और इसे फिट टू स्क्रीन कर देना है और यहाँ से आपको इसकी जो लेंथ है दोस्तों वो आपको यहाँ पे बढ़ा लेनी है। तो अभी मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ, जो हमारा स्टेटस है वो रेडी होकर आ जाता है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, अभी मैंने इफेक्ट बताया नहीं। सिर्फ से आपको यहाँ पे लेयर वाला ऑप्शन पे जाना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ से आपको ये जो किंग वाली PNG है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है और इस तरह से आपको यहाँ पे रोटेट कर लेनी है, ठीक है। तो इससे आपको सिंपली इस तरह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट कर देना है और यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। और उसके बाद ओवरऑल एनिमेशन पे जाना है और इसे भी फ्लिकर दे देना है, तो ठीक है। अब थोड़ा और एक अच्छा लुक मिलेगा हमारे स्टेटस को, ठीक है। तो अभी एक बार मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो स्टेटस है वो कैसा हुआ है। बहुत ही कमाल का शानदार स्टेटस क्रिएट होकर आ जाता है। सिंपली आपको यहाँ पे सेव वाला बटन पे क्लिक करना है और वीडियो को अपनी गैलरी में एक्सपोर्ट कर देना है। आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।